हेलो फ्रेंड्स, टेली ERP 9 में हम आज टेली के कुछ शॉर्टकट सीखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई हैं जो हम टेली की विंडो पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको दी है शॉर्टकट कीज में विंडोज़ और फंक्शनैलिटी। हर एक की विंडो और उसकी फंक्शनैलिटी दी है। ऑल्ट प्लस F2 दी है टू डुप्लीकेट वाउचर, यानी डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट करने के लिए। ऐसे ही ऑल्टर ए, ऑल्टर सी, ऑल्टर डी, ऑल्टर ई, ऑल्टर आई, एल, के और ओ, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं। हर एक के अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं। जैसे कि ऑल्टर ई की है एक्सपोर्ट द रिपोर्ट इन द फॉर्मेट लाइक HTML और XML। अदर फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है तब आई की इंसर्ट वाउचर है। एल की सेलेक्ट लैंग्वेज है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। तो इस तरह से हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्प्ले मेन्यू में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और यहाँ से हम वो जो शॉर्टकट की हमने देखी है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको जो शॉर्टकट की दी है वो है F2 ऑल्ट के साथ 2, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने जो TDS ऑन रेंट ऑफ ट्रक वाली एंट्री थी उसको सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ F2 दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री क्रिएट हो गई है। उसी तरह से अगर आपको कोई एंट्री के अंदर डायरेक्टली यहाँ से एंट्री बनानी है तो आप डायरेक्टली एंट्री भी बना सकते हो। आप देख सकते हो हमने यहाँ से HRA और उसका मेहता ट्रांसपोर्ट का पेमेंट वो जनरल वाउचर में हमने एंट्री बना ली, यानी कि डायरेक्टली डे बुक में से हमने एंट्री जनरेट की जनरल वाउचर की, जो हमारे पास जनरल वाउचर एक्टिवेटेड था उसकी। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जनरल वाउचर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑल्टर सी करके हम यहाँ से लेजर के नेम बना सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्टर सी डायरेक्ट लेजर क्रिएट करने के लिए होती है जो हमें शॉर्टकट की इसमें दी हुई है, जो हम जनरल वाउचर्स में से भी यहाँ पे भी लिख के ऑल्टर सी करके लेजर्स बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फर्नीचर बना रहे हैं, अंडर ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स जाता है, अमाउंट डाल देंगे हम और फर्नीचर, सपोज के फर्नीचर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला तो हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से ऑल्टर शी की फंक्शनैलिटी है डायरेक्ट लेजर क्रिएट करना, आपको दिखाया है। टू क्रिएट लेजर फ्रॉम वाउचर, यानी हमने जो जनरल वाउचर की स्क्रीन पे से लेजर क्रिएट किया। ऑल्टर डी है डिलीट करने के लिए है, ऑल्टर ई एक्सपोर्ट करने के लिए, ऑल्टर आई है इंसर्ट वाउचर यानी एग्जिस्टिंग वाउचर को इंसर्ट करने के लिए, एल है लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए होता है, के है कीबोर्ड फंक्शनैलिटी और ओ है अपलोड योर रिपोर्ट। अगर आपकी रिपोर्ट को वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है तो उसके लिए ऑल्टर प्लस ओ होता है। अभी हम टैली में जाएंगे और वो सारे फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम डे बुक में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे सपोज के मेहता ट्रांसपोर्ट है, हमें ये एंट्री जो डुप्लीकेट है वो डिलीट करनी है, तो ऑल्ट के साथ डी दे दिया। आप देख सकते हो मेहता ट्रांसपोर्ट की एक एंट्री डिलीट हो गई। उसी तरह से नेक्स्ट आपको दिया है ऑल्ट के साथ ई, अगर एक्सपोर्ट करना है इसी शीट को, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट दिए हैं, ASCII, XL, HTML, JPG, PDF, आपको जिस भी फॉर्मेट में सेट करना है आप फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसी तरह से डायरेक्टली ही आपको यहाँ से वाउचर बनाना है तो ऑल्ट के साथ आई प्रेस करके आप डायरेक्ट वाउचर भी बना सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑल्ट के साथ एल सेलेक्ट लैंग्वेज और कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ ऑल्ट के साथ एल प्रेस करते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ देख सकोगे कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको दी हैं। जैसे ही हम कीबोर्ड में से ऑल्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस का एक बॉक्स दिखेगा जिसमें यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको अपलोड करना है तो ऑल्ट के साथ ओ करके आप आपकी फाइल को इस तरह से वेब पेज पे अपलोड भी कर सकते हो। थैंक यू।